नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुंह खुलने की प्रॉब्लम यानी ट्रिसमिस है, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि कैंसर के मरीजों में कैंसर की वजह से या रेडियोथेरेपी की वजह से जो फाइब्रोसिस हो गया वो, या सुपारी गुटखा खाने से सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हो गया वो, इनकी वजह से अगर मुँह खुलने में दिक्कत आ रही है तो हमें पेशेंट को मुंह खोलने के तरीके क्या क्या अप्लाई करने चाहिए। उसमें एक तो है मुंह खुला खोलो, खुद खोलो, ऐसे है ना, एक्सरसाइज करो रोज सुबह शाम 20-20 मिनट की अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो मुंह खुलने की प्रैक्टिस होती रहेगी, तो मुंह परमानेंटली बंद नहीं होगा। अगर दर्द हो रहा है तो आप दर्द की गोली खा के और प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि दर्द कम होगा और मुंह खुलने की प्रक्रिया वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर ज़्यादा ही बंद हो गया, इसमें क्या होता है कि पूरा मुंह नहीं खुले ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से खाना पीने में दिक्कत आने लग जाती है, बोलने में दिक्कत आने लग जाती है, मुंह की साफ सफाई करने में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि ब्रश नहीं कर सकते, मुंह के कूले नहीं कर सकते तो मुंह में बदबू आने लग जाती है, मुंह में इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो मुंह खुलना तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं दो तरह की चीज़ें लाया हूँ, जो ये आइसक्रीम जो हम खाते हैं उसकी जो पत्ती होती है वैसी है, इसको टंग डिप्रेसर बोलते हैं, वुडन या ये मान लो टेम्परेरी यूज एंड थ्रो वाले, एक बार यूज लिए फिर फेंक सकते हो, बार बार जब गला चेक करते हैं जीभ दबाते हैं तो उसको हर बार इंस्ट्रूमेंट को धोना पड़ता है साहब, इससे आप एक बार केयर कर लो। इसी को हम यूज ले रहे हैं कि किस तरह से मुँह खोला जाए, तो आप इस वीडियो में पूरा ये देख सकते हैं कि किस किस तरह से ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैंने दो इस पत्ते को लिया बराबर में और ये मुंह के अंदर रख दी दांतों के बीच में, इसमें आप ऐसे भी रख सकते हो और आप ऐसे भी रख सकते हो, जो आपको सुविधाजनक हो। वह पूरा नहीं खोलता है, ऐसे नहीं रख सकते तो थोड़ी सी जगह होती है, तो इसी को ऐसे डाल के ऊपर नीचे करना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरी ये आएगी वो इन दो के बीच में ऐसे डाल दो, जैसे जैसे डालोगे मुंह खुलता जाएगा तो ये पूरा अंदर तक रख दो। अभी आपको इजी लग रहा है तो फिर एक और ले और इसको पूरा अंदर तक ऐसे, तो इस तरह से हम ये इस थिकनेस की ये पट्टी बढ़ाते जाएंगे, मुंह खुलता जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना कर लो, और उसके बाद में उसको जितना सुविधाजनक 10 मिनट 15 मिनट रखो, और दिन में ऐसा 5-7 बार करोगे तो मुंह खुलने में आसानी होने लग जाएगी। प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी, दुख हमें पाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे तभी होगा। लेकिन ये है कि ये जो फाइब्रोसिस है, चाहे रेडियोथेरेपी से, चाहे सुपारी वगैरह से, चाहे मेलिग्नेंसी की वजह से, उन्हीं में करना है। जो ट्रॉमा की है, जो फ्रैक्चर वगैरह है, उनमें आप अपने डॉक्टर से पूछ के करें कि कब करना है कब नहीं करना है। और जो छाले और होते हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया उनकी वजह से हैं, तो वो तो जैसे इन्फेक्शन रिलीव होगा, छाले हटेंगे तो अपने आप मुंह खुलने लग जाएगा। तो ये हो गया, ये जैसे इतनी मोटाई, और भी ज़्यादा खोल सकते हो आप धीरे 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 धीरे। जिसका मुँह 2.5 सेंटीमीटर से कम खुलता है वो ज़्यादा यूज ले लें, लेकिन उनको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट मैं लाया हूँ, ये माउथ ओपनर है या बाइट ओपनर बोलते हैं इसको। ये एक स्टील का इंस्ट्रूमेंट है, मैं अभी वीडियो में आपको इसकी पूरी विधि बता रहा हूँ। इसको आप मुंह में ये रख लो, ये वाला पार्ट मुंह के अंदर चला जाएगा, और यहाँ से आप पकड़ के ऐसे, और इसको इस तरह से आपको पेच को कसना है। ये स्क्रू है, इसको आप कसते जाओ इस तरह से, जैसे जैसे आप कसोगे तो ये मुंह खुलता जाएगा, और जितना आपके कंफर्टेबल हो उतना खोल लो और उसको रखो। अब देखो इतना है, अब पड़ा रहेगा, बाद में आप धीरे धीरे इसको वापस बंद करोगे तो ये स्क्रू को लूज करोगे, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसको मुंह में इस तरह से रखना, ये भी विधि बता रखी है।
इस विधि को अप्लाई करना है। इसके अलावा एक एक्रिलिक की या वुडन की भी बना लेते हैं, जिसमें जैसे हम स्क्रू कसते हैं उस तरह से उसको मुंह में रख के और उसको कसना है। वो जब कसते जाएंगे तो वो जो थिक वाला पार्ट है वो अंदर तक चला जाएगा, तो मुंह खुलता रहेगा, फिर वापस निकालना हो तो उसको खोल लो। तो ये विधि है कुछ जिसकी वजह से, जिसके एक्सरसाइज से हम मुंह पूरा खोल सकते हैं, और धीरे धीरे अगर रोज़ ये प्रैक्टिस करेंगे तो मुंह खुलने लग जाएगा। तो जो प्रॉब्लम्स मुंह नहीं खुलने की वजह से आ रही थी उनमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद।